हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम सूरज प्रकाश सूरज। मैं सूरज प्रकाश सूरज आज आप लोगों को क्लास फाइव का जो एक्सरसाइज है फर्स्ट लेसन नंबर फर्स्ट, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ, आखिर हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है। तो इस लेसन को मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मेरी इंस्ट्रक्शंस को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये है कि आप लोग साइंस पढ़ने के दौरान अपने लिए एक एक अपने पास नोटबुक ले लेंगे और नोटबुक के साथ में एक पेन लेके बैठेंगे, ताकि मैं बोर्ड पे जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले है कि आपके मैं बुक से ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप लोगों को बुक भी दिखाई दे रहा होगा, एज पॉसिबल जितना मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बुक भी दिखा दे रहे कि आपके आपके लोगों के क्लास का एक्सरसाइज नंबर ये फर्स्ट है। मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। और अगर जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे आपको और विशेष जानने की आवश्यकता है तो मैं वहाँ पे आपको लिखवा भी दूंगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, यू नो दैट आवर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन। हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है किस चीज से ढका हुआ है, तो हमारा बॉडी स्किन से ढका हुआ है। जैसे ही मैंने ये चीज बोला तो एक सवाल बन गया क्या कि आवर बॉडी इज कवर्ड बाय, आवर बॉडी इज कवर्ड बाय व्हाट, बाय स्किन। हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है, कवर है, स्किन से कवर है। फिर है अंडर विच आर मसल्स एंड बोन्स, और इस स्किन के अंदर होता क्या है, तो इस स्किन के अंदर होता है मसल्स और बोन, है ना। इसके बाद है कि यू आल्सो नो दैट देयर आर मेनी ऑर्गन इनसाइड द बॉडी दैट हेल्प्स अस ब्रेथ डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे स्किन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इनसे किसी से काम भोजन का पचाने का होता है, कोई सांस लेने के रूप में इस्तेमाल होता है ना, कोई एक्सक्रिएशन करने के रूप में इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बॉडी जो है बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ है ना। हमारा बॉडी जो है कवर है स्किन से, स्किन के अंदर क्या है, तो मसल्स है, बोन्स है। और अब लिखा हुआ है कि व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स मेड ऑफ, हमारा शरीर जो है, ऑर्गन जो है, मसल्स जो है, बोन्स जो है, ये सारे चीज बने हुए कौन से चीजों से हैं। तो याद रखेंगे कि हमारा शरीर, हमारा बॉडी जो है वो बना हुआ है बहुत छोटे छोटे चीजों से, जिसको कहा जाता है सेल। तो यहाँ पे फिर एक सवाल बना, सवाल ये बना कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टीनी थिंग्स, और इस टीनी थिंग्स को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सेल्स। हमारा बॉडी जो है बना हुआ है छोटे छोटे टीनी थिंग्स के, जिसको क्या कहा जाता है, सेल्स। यू कुड से दैट द सेल्स आर द ब्रिक्स दैट आवर मेकअप बॉडी, है ना। हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो घर होता है कैसे बनता है, तो छोटे छोटे ईंटों को लगाना पड़ता है, और ईंट है, सीमेंट है, इन सभी की सहायता से बहुत बड़ा बड़ा हम लोग घर तैयार करते हैं। उसी तरीके से बहुत छोटा छोटा सेल जो नंगी आंखों से नजर नहीं आता है, वो छोटे छोटे सेल्स आपस में मिलते हैं, जुटते हैं, और जब जुटते हैं तो धीरे धीरे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जब आपस में बहुत सारे जुटते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और इन सभी चीजों के बाद हमारा बॉडी का निर्माण होता है। लिखा हुआ इन फैक्ट सेल्स आर द ब्रिक्स दैट मेक अप द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। इसका मतलब आप ये जान लें कि जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, है ना, उन सभी के शरीर, चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो, पक्षियां हो, जल में रहने वाले जानवर हो, है ना, इन सभीों का जो है शरीर छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। दे आर वेरी टिनी, ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, है ना। ये इतने छोटे होते हैं कि इसको देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख पाते हैं। तो ये रहा यहाँ तक का बात। एक चीज फिर से मैं रिपीट कर दूं अपने स्टेटमेंट को कि आप लोग करेंगे क्या, आप लोग जितने भी चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको लिखना है आपको अपने अपने नोटबुक पे। लिखेंगे कैसे, तो वीडियो को रोक लेंगे, पाउज का बटन दबा देंगे, और उसके बाद पहले कॉपी में नोट कर लेंगे, और उसके बाद अपने बुक से आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो आप लोगों को जो मैं होमवर्क दूंगा, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको लिख लें, फेयर कॉपी में लिख लें, है ना। और जैसे ही स्कूल खुलेगा, जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात, जिनके पास नहीं हो कृपया करके बुक खरीदें। अरे
कि दे आर वेरी टिनी, ये जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सो यू नीड अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम रियली क्लियरली। अगर आपको सेल्स को अच्छे तरीके से देखना है तो आपको इस्तेमाल करना होगा पावरफुल माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ पे भी सवाल आ गया कि वैसा छोटा छोटा चीज जो नंगी आपको से नजर नहीं आता उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, लिखते हैं द इंस्ट्रूमेंट which is used to magnify images that is microscope। ठीक है, अगर वैसे छोटे छोटे चीज, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटे छोटे चीजों को बड़ा बड़ा दिखाने में इस्तेमाल किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद आपके बुक में लिखा हुआ है कि मोस्ट लिविंग आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, अनगिनत सेल्स के बने हुए होते हैं, बट देयर आर सम लाइक द बैक्टीरिया, लेकिन कुछ माइक्रो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया है इन आवर माउथ दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो लिखेंगे ऑर्गेनिज्म्स which are made up of only one cell, इसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इतने छोटे होते हैं कि ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे आपको कभी भी नंगी आंखों से नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है Since such creatures can be only seen under a microscope, they are called microorganism. ठीक, इसी प्रकार के creatures, इसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो कभी भी हमको डायरेक्ट आंखों से दिखाई नहीं दे सके, नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे सके, नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सके, उसको कहा जाता है microorganism। फिर यहाँ पे एक सवाल बना है ना, ऑर्गेनिज्म्स विच आर ओनली सीन अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, इसको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। वैसा जीव जंतु जो बगैर पावरफुल माइक्रोस्कोप के कभी हमको दिखाई नहीं देगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर जीवों को देखते हैं, मतलब बगैर सूक्ष्मदर्शी के अगर कोई जीव हमको दिखाई नहीं देते हैं, है ना, तो वैसे जीवों को कहते हैं हम लोग क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म जीव। मैं आपको हिंदी इसलिए बताते चल रहा हूँ कि जैसे ही मैं रिलेशन आपका खत्म करूंगा अभी, तो उसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा, और आपको करना क्या होगा कि इन मीनिंग्स को हिंदी में कन्वर्ट करके होमवर्क के तौर पे आपको बनाना होगा, और बनाने के बाद कॉपी के पेज के ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, होमवर्क कौन से लेसन से मिला था ये लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट का था ये लिखेंगे, कौन से सर ने दिया था ये भी लिखेंगे, है ना, और उसके बाद उनका फोटोज खींच के आपको उनके व्हाट्सएप पे भेजना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बोर्ड पर लिखे हुए सारे चीजों को अपने नोटबुक पे उतार लीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से मैं बोर्ड पर लिखे हुए सभी चीजों को एक बार समझा देता हूँ जब तक आप लोग लिखेंगे भी और सुनेंगे भी। सबसे पहला चीज जो मैंने लिखा है वो लिखा हुआ है कि आवर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन। हमारा बॉडी जो होता है ढका हुआ किस चीजों का होता है, तो चमड़े का ढका हुआ होता है। इसके बाद है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टिनी थिंग्स, जिसको सेल्स कहा जाता है। वैसा इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मैग्निफाई इमेजेस, इसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है, मतलब इमेजेस को बड़ा करके देखने वाले इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं उनको कहा जाता है क्या, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद ऑर्गेनिज्म विच आर ओनली सीन अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप,
उसको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है उनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। इसके बाद मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और अपने नोटबुक पे नोट भी करते रहें। साथ में मैंने जो होमवर्क अभी आपको बताया वो भी आपको जल्दी से करना होगा। अगला जो लिखा हुआ है आप लोग अपने बुक से मिलाते जाइएगा, मैं एक एक लाइन करके आपको पढ़ा दे रहा हूँ, एक एक लाइन करके मैं समझा भी दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स। हमारा शरीर में सबसे पहले बहुत अलग अलग प्रकार के अंग हैं, मांस है, नस है, हड्डियां हैं, है ना, तो वो अलग अलग प्रकार के सेल्स से बने हुए होते हैं। मतलब सारा बॉडी का जो ऑर्गन है एक टाइप के सेल्स से बना हुआ नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के सेल्स से बने हुए होते हैं। दे लुक डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू। ये देखने में भी अलग अलग होते हैं और साथ में इनका कार्य भी अलग अलग होता है। स्किन सेल्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ले लिया हम लोगों ने कौन से सेल्स, तो त्वचा का कोशिका को ले लिया, are flattish and are packed tightly together। ये जो skin cells होते हैं ये बहुत ज़्यादा flattish होते हैं, flattish करने का मतलब चौड़ा होते हैं, और cells में ये बहुत closely packed होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत कस के जुड़े हुए होते हैं। लिखा हुआ the cells in the blood that carry oxygen are roundish। हमारे ब्लड में जो सेल्स होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, हमारे जैसे आप लोग सुनेंगे हमारे ब्लड में जो सेल्स होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है वो होता कैसा है, तो होता है roundish। एंड दे फ्लोट अबाउट इन ब्लड, और ये क्या होता है ब्लड में तैरते होते रहते हैं, ये ब्लड में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। नर्व सेल्स जिसको हम लोग नस भी कहते हैं, नर्व सेल्स look like a spider with long arms and tail। nerve cell जो हमारा होता है ये देखने में हमको spider के जैसा लगता है, spider आप लोगों ने अपने अपने घरों में देखा होगा, spider के जैसे देखने में लगता है, और इसके पास arms और tails भी जैसे होते हैं, जैसे spider के पास arms और tails होते हैं इसके पास भी arms और tails होते हैं। they join up to form long nerves running through our body। क्या होता है कि बहुत सारे nerve cells आपस में जुट जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत लंबे लंबे जो पूरे शरीर में नस दौड़ रहे हैं, नस चल रहे हैं, है ना, जो नस हमारे शरीर में बहुत लंबे लंबे हैं उनका ये फॉर्मेशन करता है। अब लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ द सेम टाइप ज्वाइन अप एंड वर्क टुगेदर। एक ही प्रकार के सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, एक ही प्रकार के सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं और साथ में कार्य करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यू। अब यहाँ पे फिर एक सवाल बना कि एक ही प्रकार के सेल्स जब आपस में बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, निर्माण होता है टिश्यू का, और टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो सवाल ये बना कि सेम टाइप्स ऑफ सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म आर व्हाट, तो टिश्यू, मतलब एक ही प्रकार के जो होते हैं सेल्स आपस में जुड़ते हैं और निर्माण किसका करते हैं, तो निर्माण करते हैं टिश्यू का। यहीं पर से देखना है फिर से कि सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज जब आपस में सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू जुड़ते हैं ज्वाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेन, मतलब जब सेम टाइप के टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो निर्माण किसका होता है, ऑर्गेन का होता है। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं इस बात को कि सेम टाइप ऑफ टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो निर्माण होता है किसका, टिश्यू का होता है। साथ में आप लोग ये भी देखते चले कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको जो भी बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है उसको आप नोट करते चलेंगे, ठीक है, अपने कॉपी में। इसके बाद है कि जब सेम टाइप का बहुत सारा ऑर्गेन आपस में जुड़ता है एक ही प्रकार का वर्क करने के लिए तो फॉर्मेशन किसका होता है, ऑर्गेन सिस्टम का होता है ना। अब जो है आगे मैं पढ़ाता हूँ। लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, मतलब हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। लिखा हुआ स्किन मसल्स एंड बोन टिश्यूज आर सम एग्जांपल। स्किन का टिश्यू अलग हो सकता है, बोन का टिश्यू अलग हो सकता है, मसल का भी टिश्यू अलग हो सकता है। अब लिखा हुआ है कि स्किन सेल्स पैक्ड क्लोज टुगेदर फॉर्म स्किन एंड द कवरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन। अब क्या करता है कि स्किन का जो टिश्यू होता है आपस में बहुत कसकस से जुड़ता है, नजदीक नजदीक जाकर जुड़ता है और ये हमारे बॉडी को ऊपर से कवर करने का काम करता है। साथ में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो आपका स्किन टिश्यू प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद है आपका कि द जॉब स्किन टिश्यू इज प्रोटेक्शन, द जॉब ऑफ स्किन टिश्यू इज प्रोटेक्शन। अब सवाल यहाँ पे बन गया फिर से, द जॉब
जॉब ऑफ स्किन टिश्यू, द जॉब ऑफ स्किन टिश्यू इज व्हाट, तो देन प्रोटेक्शन, मतलब स्किन टिश्यू का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। फिर से मैं देखिए बोर्ड की ओर से हट जाता हूँ, आप लोग बोर्ड पर से जो भी लिखा हुआ है उसको लिखने का प्रयास करेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ कि सेम टाइप्स ऑफ सेल्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू, जब एक प्रकार के बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं तब निर्माण होता है किसका, एक टिश्यू का। सेम टाइप ऑफ टिश्यूज ज्वाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेन, एक ही प्रकार का टिश्यू जब आपस में जुड़ जाते हैं तो निर्माण होता है किसका, ऑर्गेन का। द जॉब ऑफ स्किन टिश्यू इज प्रोटेक्शन, जो स्किन टिश्यू का कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब अंदर के ऑर्गेन को सुरक्षा प्रदान करना। अब लिखा हुआ है कि सिमिलरली मसल सेल्स फॉर्म्स मसल एंड बोन सेल्स फॉर्म बोन्स, लिखा हुआ कि मसल सेल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, तो मसल्स का करते हैं, और बोन सेल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, बोन्स का करते हैं। You will learn about bones and muscles in chapter number 3. आप bones और muscles के बारे में इसी class में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, मतलब chapter number 3 में आप इसका study करेंगे। अब बात आता है एक organ का। An organ, you know, is a part of the body with a special jobs to do. हमारे शरीर का जो अंग होता है, एक अंग जो होता है, an organ जो होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में वो विशेष प्रकार के कुछ कार्यों को करता है। Every organ is made up of tissue that work together to help the organ do its job. एक ऑर्गेन जो होता है बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके बनते हैं, है ना, एक ऑर्गेन का निर्माण बहुत सारे टिश्यू के आपस में मिलने से होता है, और इसके कारण हमारा ऑर्गेन एक विशेष प्रकार का कार्य कर पाता है। द हार्ट फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लें इसको, तो दिल को ले लें, द हार्ट फॉर एग्जांपल हैज अ स्किन टिश्यू एंड मसल टिश्यू, हमारे जो हार्ट होते हैं उसके पास कौन कौन से टिश्यू होते हैं, तो उसके पास होते हैं स्किन टिश्यू, और होते कौन से टिश्यू हैं, तो मसल टिश्यू होते हैं। These and other tissues of the heart work together to let the heart do its job. ये क्या करते हैं कि स्किन टिश्यू और आपका ये जो मसल्स टिश्यू होता है आपस में जुड़ते हैं और हार्ट जिस काम को करना चाहता है उस काम को करते हैं। अब बात आता है ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन सिस्टम देखने के पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर है आपके बुक में दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 3 में है। इस तस्वीर को आप लोगों को बनाना होगा, है ना, अपने प्रोजेक्ट होमवर्क के तौर पे आपको इस लेसन का सारा तस्वीर बनाना होगा, ठीक है, सिर्फ पेज नंबर 1 का छोड़ के, पेज नंबर 1 का तस्वीर को छोड़ के पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 के तस्वीरों को आप लोगों को कॉपी में बनाना होगा ताकि आपको समझ में ज्यादा आ सके। अब बात मैं कर लेता हूँ ऑर्गन सिस्टम का। लिखा हुआ है कि एन ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स, एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने के कारण निर्माण होता है। लिखा हुआ है दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी डू ए सर्टेन जॉब, इसका होता क्या है कि जैसे सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं, एक विशेष प्रकार के ऑर्गन्स आपस में जुटेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा जो कि किसी एक विशेष कार्य को करेगा, जैसे द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र, है ना, एज यू नो हेल्प्स अस डाइजेस्ट फूड, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये पाचन तंत्र होता है ये करता क्या है, तो भोजन को पचाने का कार्य करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस ब्रेथ, हमारा जो श्वसन तंत्र है ये क्या करता है, तो हमें सांस लेने में हेल्प करता है, और इतने के बाद ये लेसन आपका होता है खत्म। लेकिन इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार समझा दूं जब तक बोर्ड पे लिखा हुआ वाला कि आप लोगों को करना क्या है, जब तक आप लोग बोर्ड पर से लिख, चलिए तो आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ फिर से एक बार देख लीजिए। Same type of cells joins to form tissue. मतलब एक ही प्रकार के जो सेल्स होते हैं आपस में जुटते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है, एक ही प्रकार के टिश्यू जब आपस में जुटते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है, और स्किन टिश्यू का काम क्या होता है, तो प्रोटेक्शन। आप लोगों को बुक में जो भी जितना लिखने लायक था मुझे लगा जो मैंने लिखवा दिया और जो पढ़ाने लायक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप लोगों को अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को एक काम करना होगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से पढ़ने के लिए एक काम और करना होगा। करना क्या होगा, सबसे पहला काम कि आपको बुक अच्छे से पढ़ना होगा एक लेसन, उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो मैंने जो बोर्ड पे अभी लिखा उसको आपको उतारना होगा, ये दूसरा काम। और तीसरा काम, आप वीडियो को आराम से पॉज करके नोट कीजिए, और नोट करने को मिनिमम 3 times आप वीडियो को देखिए। जब तक मैं क्या करता हूँ कि आपके बुक में जो भी है क्वेश्चन आंसर, मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी से लिखवा देने का ताकि आप लोग अपना फेयर कॉपी तैयार रखें। पहला जो सवाल है इसमें है वो है फिल इन द ब्लैंक्स,
पहला जो सवाल है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये है सवाल, द बॉडी ऑफ एवरी, द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो इसमें क्या भरा आएगा, सेल्स। हमारा बॉडी किस कौन से चीजों का बना हुआ है, सेल्स का। अगला सवाल है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ, फॉर्म अ, अब यहाँ पे फिर जगह है, किस चीज का निर्माण करेगा, सेल्स आपस में जुट के टिश्यू का निर्माण करेगा। तीसरा सवाल है, एन ऑर्गेन इज मेड अप ऑफ, is made up of many, अब यहाँ पे फिर blank space है, तो यहाँ पे आंसर में क्या बनाएगा, टिश्यू। ऑर्गन किस चीज का बनता है, टिश्यू का बनता है, that work together, that work together। आप लोगों को मैं एक दिन में कोशिश करूंगा, जूनियर सेक्शन के आप लोग हैं तो एक दिन में लेसन पढ़ा देने के लिए। अगला है, an organ system is made up of many, is made up of many organs, यहाँ पे क्या बनाएगा, many organs that work together, that work together, that work together, ये हो गया आपका। पांच नंबर जो इसका सवाल है, the waste left after, the waste left after digestion, digestion collects, collects in the large intestine, यहाँ पे blank space है जहाँ मैंने भर दिया large और यहाँ book में दिया हुआ है intestine। अब देखिए पांच मैंने लिख दिया है, ऐसे है छह, अभी और मैं जल्दी से लिखूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग अपने इस वीडियो को पाउज करके आप लिख सकते हैं, तो वीडियो को आप लोग पाउज कर लें, लिख लें, जब तक मैं मिटा के आगे लिख देता हूँ। छह नंबर इसका है ना, तो आप लोग लिखते चले जल्दी जल्दी कॉपी में, और जैसे ही स्कूल खुलेगा आप लोगों को फेयर कॉपी जमा करना होगा। तो छह नंबर है, छह नंबर में है कि द लीवर सेंस, द लीवर सेंस इट्स जूस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आंसर में क्या बनाएगा, स्मॉल, और यहाँ पे क्या बनाएगा, इंटेस्टाइन। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो गया, कंप्लीट। आपके लेशन का फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो गया, कंप्लीट। और होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं लिखाएगा आप लोगों से, अगर क्वेश्चन आंसर प्रयास करेंगे जरूर, गलत हो चाहे सही हो, और अगर आप लोगों से इसका क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर खुद से अगले क्लास में लिखवा दूंगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का जो भी है ये एक्सरसाइज आप लोगों को कॉपी पे नोट करना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अलावा में आप लोगों को इसका मीनिंग लिख के होमवर्क के तौर पे भेजना है और क्वेश्चन आंसर भी बनाना है। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है सही सही, मैं देखूंगा कॉपी में, अगर सही आप लोगों का नहीं हुआ तो मैं फिर से यहाँ लिखवा दूंगा, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और जैसे ही आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग उसको अपने अपने कॉपी पे उतार लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन के लिए रहने देते हैं हम लोग, है ना, थैंक्स।